हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीके ऑनलाइन पेपर। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो, यूपी, एमपी, बिहार, जितने भी स्टेट है उनके अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 का परीक्षा पैटर्न, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, कितने नंबर के आएगा। पेपर 50% सिलेबस पर होगा, जो पिछले वर्षों में 2 साल तक हुआ है ना, 50% सिलेबस पर परीक्षाएं हुई हैं। कहने का मतलब है 100% पेपर आता था, उसमें से आपको 50% पेपर अटेम्प्ट करना होता था एग्ज़ाम में। तो इस वर्ष भी क्या ऐसा ही नियम होने वाला है क्या, तो कंप्लीट आपको जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो, कमेंट कर देना, आपका A to Z जो भी क्वेश्चन है उसको मैं पिकअप करूँगा और आपका आंसर दूंगा। डायरेक्ट आप इस वेबसाइट का लिंक चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आकर कंप्लीट जानकारी पढ़ सकते हो कि क्या 2023 परीक्षा में परीक्षा पैटर्न, पेपर पैटर्न रहने वाला है, आपका पेपर किस तरीके से होगा, कितने नंबर का पेपर आएगा। एग्ज़ाम डेट वगैरह तो अभी नहीं आई है, लेकिन जो भी है जानकारी पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप पूरा राजस्थान यूनिवर्सिटी का परीक्षा पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का परीक्षा पैटर्न 2023 किस तरीके का रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रदेश के अंदर आप सभी को पता है जितने भी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान प्रदेश की बात करें, यूपी, एमपी, बिहार, किसी भी स्टेट की बात करें, उसके अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि 2023 परीक्षा में क्या पैटर्न चेंज होगा, जो पेपर पैटर्न है कि जो पेपर 100% आता है उसमें से 50% हल करना होता है, 2 साल तक ऐसा ही रहा था, क्या इस वर्ष भी ऐसा ही रहेगा, 50% सिलेबस पर परीक्षाएं होंगी। तो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर पूरा जवाब दिया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है, अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी क्षेत्र है, सभी के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, MDSU, MGSU, जितने भी यूनिवर्सिटी है, चाहे यूपी, एमपी, बिहार की बात करी जाए, सभी के अंदर 50% सिलेबस पर परीक्षाएं हो रही थी। जैसे आप सभी को पता है, पिछले 2 से 3 वर्षों में 50% सिलेबस के आधार पर परीक्षा ली जा रही है। पिछले 2 से 3 साल तक 50% सिलेबस के आधार पर परीक्षाएं ली है, क्या इस वर्ष भी 50% सिलेबस पर आधार पर परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर देखिए, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी की बता रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी जो भी होता है, सभी को पता है यूजी, पीजी के कोर्सेज 50% सिलेबस पर परीक्षा ली है पिछली बार। तो यूजी पीजी के कोर्सेज में 2021 में 50% पर हुई थी, 2021 में, 2023 में भी होगी। क्या क्वेश्चन है आपका, क्या 2023 में 50% सिलेबस पर परीक्षाएं होंगी, तो आपका जवाब यहाँ पर देखिए, आपका पिछले वर्ष की तरह 50% सिलेबस नहीं रहेगा, आपका 50% सिलेबस नहीं रहने वाला है, आपकी 100% सिलेबस के आधार पर परीक्षाएं होंगी। क्योंकि पिछले वर्षों में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि समय पर परीक्षा फॉर्मूला, या फिर एक तरीके से कहा जाए परीक्षा या फिर एग्ज़ाम डेट वगैरह समय पर नहीं निकली थी, तो एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह लेट भरे गए थे, तो सत्र लेट स्टार्ट हुआ था। इस कारण 2022 और 21 में जो परीक्षा पैटर्न था, वो 2021-20 में और 22 में 50% रखा गया था। प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, पिछले वर्षों में क्या होता था, प्रैक्टिकल आपके नहीं हुए थे, प्रैक्टिकल आपके ओनली फॉर फाइल के आधार पर हुए थे, फाइल जमा करा दिए, आपका प्रैक्टिकल हो जाता था। लेकिन इस वर्ष आपको रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, फाइल बनानी पड़ेगी और कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी, और आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। प्रैक्टिकल का मतलब होते हैं बिल्कुल आपको उपस्थित होना पड़ेगा, आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, मतलब आपके सामने आपको केमिकल वगैरह से, या फिर जो भी जूलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होते हैं, ज्योग्राफी का, जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकल आपको करना होगा, ये आपके सामने होने वाला है। जो पेपर होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, बीएससी की बात करें तो एक पेपर में 34 नंबर का पेपर होता है, 34 का ही रहने वाला है, दूसरा होता है 33 का और 33 का, दो पेपर होते हैं 33-33 का, एक होता है 34 का, क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर 3 पेपर होता है, जैसे केमिस्ट्री का 3, जूलॉजी के 3, बॉटनी के 3। फर्स्ट ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर की बात करें, सभी के अंदर यही फॉर्मूला रहता है, यही फॉर्मूला आपको अपनाना है। 2023 में आपको 50% सिलेबस पर परीक्षाएं नहीं होंगी, 100% सिलेबस पर परीक्षाएं होंगी, टोटल आपका 36 नंबर एक पेपर में लेकर आने हैं, एक पेपर में आपको पासिंग मार्क 12 नंबर चाहिए,
34 में से आपको 12 नंबर, 33 में से 12 नंबर चाहिए जब जाके आप पास होंगे। ऐसा नहीं है पिछले सत्र में आप एक पेपर में 12 नंबर किस तरीके से लाते थे, एक क्वेश्चन हल कर दो आपका 12 नंबर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बाहर 6 नंबर का होता है तो वहाँ पे 50% का सिस्टम था, एक क्वेश्चन हल कर दो एक का डबल हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन किया या यूनिवर्सिटी दो क्वेश्चन जोड़ती थी, क्योंकि 50% का आपको लाभ दिया गया था। ये पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी आपको पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं और ये पूरा परीक्षा पैटर्न आप सिलेबस के आधार पर डाउनलोड कर सकते हैं। और BSC वगैरह की क्लासेस चाहिए तो चैनल पे आपको रेगुलर मिल रही है, तो आप ऐसी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके भाई को प्यार और सपोर्ट दिखाना। BSC में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो एंड करते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, डायरेक्ट सिलेबस डाउनलोड कर लेना, थोड़ा नॉइज़ आया उसके लिए सॉरी। अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।